वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूनिट टू पहले यूनिट के अंदर हमने ये सीखा था कि हम किसी भी वेब पेज के वेब पेज से पहले लिंक को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अब हम इसी लर्निंग को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाएंगे और यूनिट टू के अंदर हम ये सीखेंगे कि एक वेब पेज के ऊपर से तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सो इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्न हाउ टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट लिंक फ्रॉम अ वेब पेज एंड इन दिस यूनिट वी विल बी राइटिंग अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट ऑल द लिंक्स फ्राम अ गिवन वेब पेज ऐसा करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ मजीद सीखेंगे कि हम अपने कोड को एक अलग फाइल के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं अभी तक आप जानते हैं कि हमने जो चीज़ भी लिखनी होती है वो यहाँ कंसोल के ऊपर लाइन बाय लाइन लिख के एग्जीक्यूट करते हैं आ, बहुत बेहतर होगा कि हम अपने कोड को एक अलग फाइल के अंदर प्लेस कर लें ताकि उसको एडिट करना मैनेज करना ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए आसान हो जाए पाइथन में ऐसा करना बहुत आसान है हम फाइल न्यू फ़ाइल और यहाँ से हाँ, जब हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एडिटर विंडो खुल जाती है इस एडिटर विंडो के अंदर मैंने जो कोड था हमारा फर्स्ट लिंक को एक्सट्रैक्ट करने का उसको मैंने एक अलग जगह पे प्लेस किया हुआ था मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ सो इफ़ यू रिमेंबर तो हमने क्या किया था कि पेज नामी एक स्ट्रिंग ली थी और उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट्स जो एच टी सोर्स के थे उनको कॉपी कर लिया था जिसके अंदर हमारे पास ये एच रेफ़ और मुख्तलिफ लिंक्स अवेलेबल थे और फिर हमने क्या किया था कि स्टार्ट लिंक एक वेरिएबल लिया था और उसके अंदर हमने एच रेफ़ को तलाश करके उसकी लोकेशन यहाँ पे स्टोर कर ली थी कि ए एच रेफ़ हमें पहला कहाँ पे मिला यानी इसकी लोकेशन उसके बाद इस एच रेफ़ के बाद यानी स्टार्ट लिंक जहाँ पे हमें ए एच रेफ़ मिला उससे आगे मज़ीद हमने तलाश किया कि हमें डबल कोट कहाँ पर मिलती है तो डबल कोट की मिसाल के तौर पर इस केस में डबल कोट यहाँ मिलेगी हमें तो उसकी लोकेशन हमने स्टार्ट कोट नामी वेरिएबल में स्टोर कर ली और उसके बाद हमने उससे आगे अगला डबल कोट तलाश किया और उसको हमने एंड कोट कहा स्टार्ट कोट प्लस वन से आगे हमें ये जो मिला इसको हमने स्टोर कर लिया एंड कोट नामी वेरिएबल के अंदर और फिर हमने क्या किया कि पेज स्ट्रिंग के अंदर से स्टार्ट कोट प्लस वन और एंड कोट के दरमियान जो स्लाइस था जो कि ये स्लाइस बनता है इसको हमने निकाल के यूआरएल नामी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और फिर उसको प्रिंट कर दिया सो दिस इज़ हाउ वी एक्सट्रैक्टेड द फर्स्ट लिंक फ्रॉम द गिवन पेज इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं uh... यू कैन चूज़ अटटेबल लोकेशन वे वुड यू लाइक टू प्लेस दिस मैंने कोड के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है सो आई जिस प्लेस इट ये रेफर्स करें हम इसका नाम एक्स्ट्रैक्टर रख लेते हैं बिकॉज हम लिंक्स एक्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इस फाइल का नाम एक्स्ट्रैक्टर रख लेते हैं और सारी पाइथन फाइल्स आमतौर पर डॉट पी वाई एक्सटेंशन से स्टोर होती हैं सो वी स्टोर इट लाइक दैट राइट सो ये फाइल स्टोर हो गई अब इस फाइल को हम यहाँ से रन करते हैं सो यू सी दिस इज़ रन मॉड्यूल ऑप्शन और F5, F5 के जरिए भी आप इसे रन कर सकते हैं हम देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है सो यू सी कि जो हमने प्रिंट किया था वो हमारे सामने यहाँ पे आ गया दैट इज़ वर एफ डॉट एक्स के सी डी डॉट कॉम सो इफ़ यू लुक हियर सो दिस इज़ द फर्स्ट ए एच रेफ़ दिस इज़ द फर्स्ट कोट दिस इज़ द एंड कोट एंड ये उसके दरमियान की स्ट्रिंग है जो हमारे वेब uh, पेज का एड्रेस है और वो हमने चुट के प्रिंट किया तो वो प्रिंट हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया तो इस तरीके से हम कोड को एक अलग फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं उस फाइल के अंदर हम उसको एडिट करके दोबारा रन करके उसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं सो एक कोड हमारे लिए अब मैनेज करना एडिट करना ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान हो गया कंपेयर टू दिस के हम कंसोल ओपन करें और उसके ऊपर लाइन बाय लाइन इसको लिख के एग्जीक्यूट करके चेक करते रहें सो वी ना मूव ऑन अब एक आ, आ, कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं जो इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए सीखने ज़रूरी हैं कुछ प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स हैं जिन्हें हमें सीखना ज़रूरी है राइट right? सो so, जो दो की कॉन्सेप्ट हम इस यूनिट के अंदर सीखेंगे उनमें से एक तो है प्रोसीजर्स और दूसरा है कंट्रोल Uh, ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको इन द बिगिनिंग थोड़े से डिफ़िकल्ट टू एब्ज़ॉर्ब एबजॉपन लग सकते हैं लेकिन uh, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्सेप्ट जो नए होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हमें वक्त लगता है जैसे जैसे हम उनके बारे में आगेही हासिल करते हैं और फिर उनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे उनका कॉन्सेप्ट उनका इस्तेमाल हमारे जहन में मेच्योर होता चला जाता है सो इफ़ यू फील अ लिटल ऑकवर्ड इन द बिगिन दैट्स ऑल राइट सो so, प्रोसीजर्स क्या होते हैं अ वे टू पैकेज कोड सो इट कैन बी रीयूज विद डिफरेंट इनपुट्स कि हम जो कोड हमने लिखा है हम उसको ग्रुप करके इस तरीके से अपने पास रख लें कि अगर हमें उसी कोड को इस्तेमाल करने की दोबारा ज़रूरत पड़े तो वही कोड हम दोबारा ना लिखें बल्कि वही जो अलग से लिखा हुआ पैकेज किया हुआ कोड है हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें इसका क्या मतलब है और ये कैसे अचीव किया जाता है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका क्या फ़ायदा होता है ये हम थोड़ा सा आगे चल के अभी एक्सप्लोर कर लेंगे और दूसरी चीज़ है कंट्रोल अ वे टू हैव द कंप्यूटर एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग ऑन द डेटा अब uh, लाइक like, आपको पता है कि हम आमूमी ज़िंदगी में भी जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम परफॉर्म कर रहे होते हैं कि पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया लेकिन आप जानते हैं कि हमारी अमूमी एग्जीक्यूशन में भी हमारे सामने इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि हमें कंडीशनली कुछ चीज़ों का फ़ैसला करना होता है मिसाल के तौर पर हमें यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठना है तो हम उठते हैं फ़्रेश होते हैं ड्रेसअप होते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं लेकिन ये सब चीज़ें बहुत लीनियर नहीं होती मिसाल के तौर पर हमें कुछ फ़ैसले कंडीशनली करने पड़ सकते हैं लाइक अगर मैं किसी सवारी के जरिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचता हूं और मेरी अपनी सवारी है तो मैं चेक करता हूं कि क्या वो ठीक है अगर वो ठीक नहीं है तो फिर मैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा वरना उसे इस्तेमाल कर लूंगा तो जहाँ मुझे कोई चीज़ किसी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन का फैसला किसी कंडीशन की आउटकम की बेस के ऊपर करना है तो वहाँ पे एक कंट्रोल स्ट्रक्चर लागू हो जाते हैं तो हमें ये दो चीज़ें पर्टिकुलरली सीखनी है एक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल और दूसरा कंट्रोल uh, सीक्वेंसेस के कंट्रोल जो है उसको हम किस तरीके से एग्जिबिट uh, uh, करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो ये दोनों बातें हम सीखेंगे अगेन एज आई सेड इफ यूर फीलिंग लिटिल ऑकवर्ड अबाउट दिस टू थिंग्स वी विल लर्न अबाउट दिस अबाउट दिस कॉन्सेप्टेंसिवली एज वी मूव ऑन तो कोड जो आपको याद होगा हमने लिखा था कि पेज नामी एक स्ट्रिंग हम लेते हैं उसमें वेब पेज के कंटेंट स्टोर कर लेते हैं स्टार्ट लिंक तलाश करते हैं उसके बाद स्टार्ट कोड तलाश करते हैं उसके बाद एंड कोड तलाश करते हैं और फिर स्टार्ट कोड और एंड कोड के दरमियान जो पड़ी हुई स्ट्रिंग का स्लाइस है उसको उठाकर यू में स्टोर करते हैं और फिर उस यू को प्रिंट कर लेते हैं दिस इज वॉट वी जस्ट हियर एज वेल यहां हमने यही लिखा था और फिर इसको एग्जीक्यूट करके हमने इसकी आउटपुट पे देख ली कि इसने पहला लिंक जो था उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कर दिया हमारे लिए सो जो डिजायर्ड टास्क था वो कंप्लीट हो गया सो दिस एंड प्रिंट द फर्स्ट लिंक ऑन द पेज टू कीप गोइंग वी कुड अपडेट द वैल्यू ऑफ पेज टू बी द करेक्टर्स फ्रॉम एंड कोड एंड रिपीट द सेम कोड अगेन अब अगर आप देखें तो जब आप ये कोड का हिस्सा एग्जीक्यूट कर लेते हैं पेज के अंदर ये कंटेंट पड़े हुए थे अब हमें आगे अगर इससे बाद अगला लिंक तलाश करना है लाइक अगर हम यहाँ देखें मिसाल के तौर पे ये हमने एक बार एग्जीक्यूट किया तो हमें यह पहला लिंक मिला ठीक है अगर हम अगला लिंक तलाश करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो पेज स्ट्रिंग है हमारी पेज पेज स्ट्रिंग को हम थोड़ा अपडेट कर लेते हैं अभी पेज स्ट्रिंग जो है उसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद है और ये वाला कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हम ये वाला ए एच रेफ और इसका लिंक एक्सट्रैक्ट कर चुके अब अगर हमें अगला लिंक एक्सट्रैक्ट करना है अगर हम यही कोड दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फिर दोबारा पहला ही लिंक हमें एक्सट्रैक्ट कर देगा अब हमें पहला नहीं बल्कि पहले के बाद दूसरा लिंक एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका आसान तरीका ये है कि हम जो पेज स्ट्रिंग है उसकी एक सब स्ट्रिंग ले लेते हैं अब आप देखें अगर कि पेज और उसके आगे हमने लिखा कि एंड कोड से लेके आखिर तक स्ट्रिंग का सारा हिस्सा अलग कर लें एंड कोड कौन सी थी ये इसका मतलब है कि हम इस लोकेशन से तलाश शुरू करेंगे और स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा ये सारे का सारा हिस्सा अब पेज के अंदर आ गया यानी पेज स्ट्रिंग को हमने अपडेट कर दिया उसमें एंड कोड तक जो स्ट्रिंग थी उसको निकाल दिया और बाकी हिस्सा रख लिया अब अगर हम यही कोड इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे तो हम दूसरी आ, दूसरा जो लिंक है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे मिसाल के तौर पर मैं इस कोड को यहां दोबारा अगर पेस्ट करूं राइट सो यू सी के पेज स्ट्रिंग so, को अपडेट किया एंड कोड से लेके ये बाकी हिस्सा यहाँ पे आ गया फिर मैंने स्टार्ट लिंक तलाश किया ए एच रफ़ अब इसको ए एच एफ जाहिर है चूंकि स्ट्रिंग में पिछला हिस्सा है ही नहीं तो पहला ए एच रफ़ इसको यहाँ पे मिलेगा राइट और फिर उसके बाद स्टार्ट कोट यहाँ मिलेगा और एंड कोट यहाँ मिलेगा और फिर इसके दरमियान का स्लाइस जब हम उठाएंगे तो यू आर एल के अंदर ये वाला लिंक आ जाएगा और फिर जब प्रिंट करेंगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा सो इसको एग्जीक्यूट करें हम तो बाहिर इसको दो लिंक्स प्रिंट करने चाहिए पहला लिंक व्हाट इफ और दूसरा Black. ये दोनों लिंक्स इसको प्रिंट करने चाहिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो सो यू सी इट इट हैज हैज डन प्रिंटेड बोथ लिंक्स राइट इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तीसरा लिंक भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम यही काम दोबारा कर सकते हैं हम इसी कोड को दोबारा लिखते हैं अगर तो लाइक like दिस और सेव राइट right? So, अब क्या होना चाहिए कि तीसरा लिंक भी एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए राइट सो आई रन इट अगेन एंड यू सी के तीनों लिंक्स अब इसके अंदर प्रिंट हो गए राइट सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक पेज से एक लिंक को प्रिंट करना है तो वो लिंक हम बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं उसका कोड हम लिख चुके देख चुके समझ चुके और उसके बाद अगर हमें मज़ीद लिंक्स को भी एक्सट्रैक्ट करना है तो हम बार बार वो कोड रिपीट करके पेज का बाकी हिस्सा लेके उसके ऊपर वही कोड दोबारा रिपीट करके हम मज़ीद लिंक्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें यह चीज़ बहुत अहम है कि हमने पेज का पीछे वाला हिस्सा ड्रॉप करके आगे वाला हिस्सा लिया हो अगर हम पूरी पेज स्ट्रिंग रखेंगे तो हमेशा पहला ही लिंक हमें बार बार मिलता रहेगा सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग बाकी कोड वही है उसी कोड को हम जितनी बार लिख लेंगे उतने लिंक हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे लेकिन ये कोई अच्छा डिजाइन नहीं है कि हमें जितने लिंक एक्स्ट्रैक्ट करने हैं उतनी ही बार हम उस कोड को रिपीट करें उतनी ही बार हम उस कोड को बार बार लिखें इसमें कुछ मसाइल इस किस्म के भी हैं कि हमें नहीं पता होता है कि किसी भी पेज के ऊपर कितने लिंक मौजूद हैं हो सकता है एक पेज के ऊपर एक ही लिंक हो एक पेज के ऊपर कोई भी मजीद लिंक ना हो एक पेज के ऊपर दस लिंक हो ऐसा भी मुमकिन है कि एक पेज के ऊपर सैकड़ों लिंक्स हों सो हम कितनी बार कोड लिखेंगे ताकि वो जनैरिकली ऑटोमेटिकली किसी भी वेब पेज के ऊपर मौजूद तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर सके सो so, इस इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इस कोड को रिपीट करते रहें रिपीट करते रहें और हर वेब पेज के लिए इसको अलहदा अलहदा लिखते रहें हमें एक ऐसा जनरल पर्पस कोड लिखना है जो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल करे कि किसी भी वेब पेज के ऊपर जितने भी लिंक मौजूद हैं जीरो से ले कर सैकड़ों तक हज़ारों तक उन तमाम लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता हो बग़ैर इसके कि हम दोबारा दोबारा उस कोड को मॉडिफाई करें सो ऐसा करने के लिए एक बहुत आसान प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट बहुत यूजफुल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि हम कोड को रिपीट कर सकते हैं और कोड को बंडल करके एक फंक्शन के अंदर प्लेस कर सकते हैं उस फंक्शन को उस प्रोसीजर को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कोड को बार बार रिपीट कर सकते हैं ये काम हम कैसे करेंगे ये भी हम आगे जाके अनरेवल करते हैं अवल रीड दिस लाइन इन दिस यूनिट वी विल लर्न थ्री इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट्स प्रोसीजर्स फ स्टेटमेंट्स एंड वायल लूप्स सो तीन चीजें हम सीखेंगे प्रोसीजर्स इफ स्टेटमेंट्स और वायल लूप्स अगेन हम दोबारा रिपीट करते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं प्रोसीजर्स ऑल्सो नोन इन पाइथॉन एज फंक्शंस प्रोसीजर्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं प्रोसीजर का लफज इस्तेमाल हो या फंक्शन का लफज इस्तेमाल हो आप इनको सनानियम समझिए इनका एक ही मतलब है एनेबल्ड यू टू एब्सट्रैक्ट कोड फ्रॉम इट्स इनपुट ये फिक्र आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है इस फिक्रे की एबस्ट्रेक्शन को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हम सादा से लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि हम कोड का कुछ ख़ास हिस्सा एक जगह पे पैकेज कर देते हैं बंडल कर देते हैं उसकी एक शनाख्त बना लेते हैं उसका एक नाम रख लेते हैं और फिर हम उसको कोई इनपुट देते हैं वो कोड जो काम करने के लिए बना हुआ होता है उसको हम जब भी कोई इनपुट देते हैं वो काम वो उसके ऊपर करता है और कोई मुतलक आउटपुट हमें दे देता है अभी हम जब बनाएंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दूसरी चीज है तो हमें बहुत सारी जगहों पे कंडीशनली होती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा करेंगे वरना कुछ और करेंगे मिसाल के तौर पे हम बाहर जा रहे हैं बारिश हो रही है तो छतरी ले, ले लेंगे वरना वैसे ही चले जाएंगे छतरी का लेना इस बात पे मुनहस होगा कि आया बाहर बारिश हो रही या नहीं तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम छतरी ले लेंगे अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं लेंगे सो so हमें इफ स्टेटमेंट्स को भी देखना होगा कि अपने कोर्ट के अंदर हमें कंडीशन को चेक करते हुए अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है कि अगर ये कंडीशन ठीक है तो हम ये करते हैं वरना कुछ और करते हैं सो इफ स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ वायल लूप्स लूप का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम अमूमी ज़िंदगी में भी बहुत सारे टास्क हैं जिन्हें बार बार रिपीट करते हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें बार बार कुछ काम करने पड़ सकते हैं लाइक हमें बार बार चेक करना पड़ सकता है कि मजीद लिंक तो नहीं है मज़ीद लिंक तो नहीं है अगर है तो हम उस लिंक को भी एक्सट्रैक्ट करें सो वायल लूप्स हमें रेपिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि एक टास्क को अगर हमें रिपीट करना है तो हम वायल लूप्स की मदद से या सादा लफ्जों में लूप्स की मदद से करते हैं वायरल लूप स्पेसिफिकली क्या होती है भी हम आगे जाके अनरेवल करेंगे सो so, तीन चीज़ें हम सीखेंगे प्रोसीजर्स इफ स्टेटमेंट्स एंड वायर लूप्स पहली बारी प्रोसीजर्स की है तो हम प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं